हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल नॉलेज बाय रोल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चेक बाउंस केस रिलेटेड आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कि जो 20% इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन है 143A N.I.Act की जो अमेंडमेंट आई है, वो अप्लीकेशन किन केसेज में लगती है। जो 2 अगस्त 2018 से पहले के केस हैं, क्या वो अप्लीकेशन उनमें भी लगती है, या फिर जो 2 अगस्त 2018 के बाद के जो केस डाले गए हैं ट्रायल कोर्ट में, क्या वो एप्लीकेशन उन केसेस में लगते हैं। आज की वीडियो में हम इस लॉ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अब ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लॉ सेटल कर दिया गया है कि ये एप्लीकेशन किन केसेस में लगाई जा सकती है। आज की वीडियो में हम इस लॉ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस लॉ पॉइंट को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 20% इंटरिम कंपनसेशन की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। ये एप्लीकेशन जो है 143A N.I.Act के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जो भी एक्यूज्ड अगर कोई भी केस में, चेक बाउंस के केस में अगर वो पेश होता है और वो वहाँ पे बेल अप्लाई करता है, और अगर उसकी बेल हो जाती है वहाँ पे, तो उस सिचुएशन पे उस पर चार्ज लगता है या फिर नोटिस ऑफ एक्विजिशन लगता है। और उस टाइम पे जो कंप्लेनेंट का राइट होता है कि वो 143A इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन उस कोर्ट में लगाता है कि मेरे को 20% जो कि चेक अमाउंट है उसका 20% मेरे को दिलाया जाए इस एक्यूज से एज ए इंटरिम कंपनसेशन। और वो एप्लीकेशन जो कंप्लेनेंट के द्वारा लगाई जाती है उसका रिप्लाई एक्यूज को देना होता है। और जो ये एप्लीकेशन है 20% की, ये 2 अगस्त 2018 के बाद जो भी केस फाइल किए गए हैं उनमें भी लगाई जा रही है, और जो 2 अगस्त 2018 से पहले जो भी केसेस फाइल किए गए हैं उनमें भी ये रैंडमली एडवोकेट्स के द्वारा ये एप्लीकेशन या फिर क्लाइंट्स के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है। और रैंडमली ये बहुत सारे केसेस में अब लगाई जा चुकी है कि ये 20% जो कंपनसेशन है, इंटरिम कंपनसेशन, ये कंप्लेनेंट को दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब ये लॉ सेटल हो चुका है। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस राजवीर शेरावत ने इसको लॉ पॉइंट को सेटल कर दिया गया है कि जो भी ये एप्लीकेशन है 20% इंटरिम कंपनसेशन की, ये सिर्फ उन केसेस में लगेगी जो कि 2 अगस्त 2018 के बाद फाइल किए गए हैं, और जो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि जो भी केसेस 2 अगस्त 2018 के बाद के फाइल किए गए हैं, ये एप्लीकेशन उन्हीं केसेस पे अप्लाई होगी, ना कि उन केसेस पे जो कि 2 अगस्त 2018 से पहले जो भी N.I.Act में अमेंडमेंट आई है, जिस दिन ये प्रोविज़न आया है 2 अगस्त 2018 को, उससे पहले के केसेस में ये एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी। और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। और जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया था, उस जजमेंट का नाम है मैसर्स गिन्नी गारमेंट्स वर्सेस मैसर्स सिटी गारमेंट्स, 4 अप्रैल 2019 की ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है। और इस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को ही डिस्कस किया गया था कि जो भी 143A N.I.Act में जो अमेंडमेंट आई है 2 अगस्त 2018 को, तो जो भी केसेज 2 अगस्त 2018 के बाद के फाइल किए गए हैं, तो 20% की जो इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन है वो सिर्फ उन्हीं केसेज में लगेगी जो कि 2 अगस्त 2018 के बाद, या फिर जो ये सेक्शन आया है, इस सेक्शन की इन्फोर्समेंट हुई है उसके बाद अगर जो भी केस फाइल किए गए हैं, तो उन केसेज में ये एप्लीकेशन लगेगी। और इसका जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और ये सिर्फ नए केसेज पर ही लगेगी। और इस जजमेंट में इसके साथ साथ जो एक और लॉ सेटल किया गया है वो ये है कि जो सेक्शन 148 है, जो अपीलेट कोर्ट के लिए बनाया गया है, कि सेक्शन 148 जो कि सेक्शन 143A के साथ साथ ही N.I.Act में अमेंडमेंट लाई गई थी, जो सेक्शन 143A ट्रायल कोर्ट के लिए बनाया गया है, और जो सेक्शन 148 है वो अपीलेट कोर्ट के लिए बनाया गया है, तो सेक्शन 148 जो है उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, और जो वो अपील उस टाइम पे पेंडिंग है और या फिर उस टाइम के बाद फाइल की गई हैं, 2 अगस्त 2018 के बाद जो भी अपील फाइल की गई हैं, या फिर 2 अगस्त 2018 से पहले जो भी अपील पेंडिंग है, उस पे सेक्शन 148 अप्लाई होगा, जो ये कहता है कि जो 20% मिनिमम है अपीलेट कोर्ट वो एक्यूज को ऑर्डर करेगी पैसा जमा कराने के लिए, और जो मैक्सिमम है वो चेक अमाउंट भी उसको या फिर जो कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट ने दिया है वो जमा कराने के लिए कह सकती है। तो जो सेक्शन 143A है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ नए केसेस पे लागू है, और जो सेक्शन 148 है वो पुराने और जो नए केसेस हैं 2 अगस्त 2018 के पहले जो भी केस फाइल किए गए हैं और जो 2 अगस्त 2018 के बाद फाइल किए गए हैं, दोनों पे जो सेक्शन 148 है वो लागू होता है, पुरानी अपील पे भी जो कि उस टाइम पे पेंडिंग थी, और जो नई फाइल की गई हैं 2 अगस्त 2018 के बाद भी, उन पे भी ये 148 सेक्शन एप्लीकेबल है।
तो दोस्तों ये थी वीडियो जो बताती है कि सेक्शन 143 ए इंटरिम कंपनसेशन की जो एप्लीकेशन है वो किन केसेस पे अप्लाई होती है और जो सेक्शन 148 की एप्लीकेशन है वो किन अपील्स पे अप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। एक क्वेश्चन कि पत्नी क्या है, उसका आंसर पत्नी वह शक्ति है या फिर वह मां शक्ति है या फिर उस शक्ति का नाम है कि जिसके सिर्फ घूरने से टिंडे की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लग जाता है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।